अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आप लोगों को गुलशन कबीर के एक ऐसे मुनफरिद और ख़ूबसूरत जगह का नज़ारा करने के लिए लेकर आए हैं। हम यहाँ पर गुलशन कबीर फरोल के, जिसका नाम जगह है, यहाँ पर आप लोग को मेरे पीछे भी देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ रेत और छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो नज़र आएंगे। और हम आज आप लोगों को एक ऐसे जो इमारत है यानी मस्जिद, जिसे हम मॉस्क कहते हैं, यानी मस्जिद का दौरा करवाने के लेकर जा रहे हैं, जो करीब आज से दोस्तों, क्या हाल है। बड़े मुश्किल से और करीबन आधे घंटा चलने के बाद हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां से मैं आप लोगों को साफ साफ उस मस्जिद का हर एक कोना, हर एक पार्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, जो करीबन 700 ईयर ओल्ड है, 700 साल पुराना अगर देखा जाए तो। इनके मतलब जहाँ के मुकामी लोगों से भी हमने थोड़ी बातचीत की थी, तो सुना था कि ये मस्जिद पुराने वक्तों में यहाँ से दुमसुम वैली यहाँ से हुआ करते हैं, दुमसुम वैली जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, तो ये मस्जिद उसने यहाँ पर बनाए थे। और इसके बाद जो आगे कुछ ऐसे जो प्लाट्स हैं मौजूद है यहाँ पर, गाय बकरियों के लिए जो घास उगते हैं वो काटने के लिए भी लोग यहाँ से एक साल में करीबन 6 से 7 दफ़ा यहाँ से चले जाते हैं, तो उनके आसानी के लिए भी और यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी ये जगह बनाए गए थे। काफ़ी पुराना है ये, तो हम उसके करीब पहुँच गए हैं। अब हम आपको उनके जो मस्जिद के अंदर और बाहरी हिस्सों का आप लोग दोस्तों, तो ये रहा जी वो मस्जिद जो करीबन 700 साल पुराना है। ये उसके जो पीछे वाले दीवार आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे, ये उसका बरामदा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लकड़ियाँ इधर टूट गए हैं, कितने पुराने हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस लकड़ी को देखकर। और ये इनका बरामदा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग
यहाँ से आगे पीछे जाने के लिए इस तरह के यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रख यहाँ पर खाते हैं। ये आप लोग ऊपर छत भी देख सकते हैं कितना पुराना है। ये देखें, ये उनका छत हो गया जी। और ये रहा जी उनका दरवाज़ा। अब हम आपको इसके अंदर लेकर जाते हैं। ये रहे जी, हम अब मस्जिद के अंदर आए हैं। यहाँ पर इनके आप दीवार देख सकते हैं, काफ़ी पुराने नज़र आ रहे हैं दीवार। और ये देख सकते हैं, ये जो दिया जलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ माचिस भी पड़े हुए हैं, तेल रखने के लिए चीज़ें भी रखे हुए। ये रहे जी वो मेंबर, जहाँ पे लोग जमात अदा करने के बाद जो यहाँ का इमाम होते हैं, उनके साथ जो भी कोई बुज़ुर्ग या मुतबर शख्स होते हैं, वो यहाँ पर उनके लिए जमात पढ़ते हैं लोगों के लिए। ये जनमा से जो मुखिर हजरत हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये यहाँ पर जानमस तैयार किए हैं। ये जानमस लाए हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने के लोगों के लिए। और ये देख सकते हैं, ये पूरा मस्जिद का अंदर का जो नज़ारा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं कितना पुराना दरवाज़ा है, ये कितना पुराना। ये पुराने वक्तों में इस तरह के दरवाज़े इस्तेमाल किए जाते थे। और ये मस्जिद पुराना है, इसका आप लोगों को एक सबूत और यहाँ पर मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो नक़ूश है वो आजकल तो बिल्कुल ही गायब है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आते इस तरह के नक़ूश। ना कोई इसको बना सकते हैं, ना यहाँ पर कोई बना बिल्कुल भी बना नहीं सकते। तो इस तरह के नक़ूश, इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो पुराने वक्तों में पुराने जो लोग हैं वो तैयार करते थे। यहाँ पर एक डेट लिखी हुई थी, शायद 2010 से, शायद ये 2010 है। तो 2010 में यहाँ पर एक दौलत नाम का किसी शायद लड़का होगा, दौलत अली, उन्होंने ये डेट लगाया है। तो करीबन 15 साल तो वैसे भी इधर हो गया है,